हल्द्वानी में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान हल्द्वानी स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रुतेला और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने बतौर मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने तिरंगा फहराकर देश को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया और गणतंत्र दिवस के मौके पर शुभकामनाएं और बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि आज के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान को देश में लागू किया गया। वह स्टेडियम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सत्तरवां गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। देश के प्रति अपने समर्पण को, अपने उत्साह को दिखाने का यह पर्व होता है और हमें जो अधिकार प्राप्त है और जो हमारे कर्तव्य हैं उनका बोध करते हुए हमें देश की समृद्धि के लिए योगदान करना चाहिए और हम सबको एकजुट होकर इस भारत को और नई ऊंचाइयों तक ले जाकर इसे भारतवर्ष बनाना है, इसका हमें संकल्प लेना होगा। बधाई देना चाहता हूँ और आज के दिन ही जो भारत का जो संविधान है जिस पर इतनी मेहनत करी गई आज लागू हुआ, भारत एक रिपब्लिक बना। रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है 74वां, ये बड़े गौरव का विषय है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इन 74 सालों से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 से जो क्रांति शुरू हुई थी, कहाँ जाके भारत 1947 में 90 साल बाद आज़ादी उस मिली और उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी जो संघर्ष हुआ है इस देश को बनाने में, इस राज्य को बनाने में, इस शहर की खूबसूरती के लिए, तो जितने महानुभवों ने इसमें अपना योगदान सुनिश्चित करा है, वीर शहीदों ने जो प्राणों की आहुति दी है, सबको आज नमन करते, प्रणाम करते।